नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुनीता सिंह और मेरे चैनल सखी सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सावन हरियाली तीज के लिए ग्रुप गेम है ये। 9 मेंबर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो हर मेंबर को आपको चार चार चूड़ी कोई भी कलर की जो भी आपके पास हो दे देना है। हर मेंबर को आप चार चूड़ी दे दीजिए, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए चार चार चूड़ी। और ज़्यादा मेंबर रहेंगे तो आप चाहिए तो चार से कम भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेंबर हैं, 50 हैं, तो आपको चूड़ियाँ बहुत सारी लगेंगी। लेकिन ये गेम 50 लोगों में भी खिला सकते हैं, इस गेम को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आपको चूड़ियाँ आपको चाहिए है ज़्यादा, तो आप दो दो भी दे सकते हैं, तीन तीन भी दे सकते हैं। अभी हमने 9 मेंबर के हिसाब से बता रही हूँ, तो हमने चार चार चूड़ियाँ दी हैं। अब ये गेम कैसे खेलना है, टाइम लिमिट तो है नहीं क्योंकि ग्रुप गेम है, तो इसको कैसे खेलना है चलिए मैं खेलती हूँ। तो सबसे पहले सभी लोग एक एक चूड़ी का बैट लगाएंगे, हर मेंबर एक एक चूड़ी दे देगा, अपना अपने पास से बीच में रख देगा। 9 मेंबर ने 9 चूड़ी यहाँ रख दी। अब चलना है, अब ये चलेंगी डाइस। देखिए ये 3 आया तो कोई मतलब नहीं, अब ये चलेंगी। इनका भी कोई मतलब नहीं है, अब ये चलेंगी। इनका भी कोई मतलब नहीं है, अब 4 वाली चलेंगी। इनका आ गया देखिए 6, यानी अब ये सारी चूड़ी इनकी हो गई। अब फिर से सब एक एक लगाएंगे, चूड़ी का बैट लगाएंगे, जो जीती हैं वो भी लगाएंगी एक। अब देखिए फिर से जो जीती हैं वो चलेंगी यहाँ से, वो जीत। अब 5 नंबर का चलेगा, 4 आया कोई मतलब नहीं, अब आ गया ये 6 नंबर के पास, यानी ये पूरा उनके पास चला जाएगा। 6 नंबर आएगा और जो मेंबर चला रहेगा उसके पास पूरी चूड़ियां चली जाएंगी। अब ये देखिए एक एक चूड़ी कई लोगों के पास बची है, जैसे ये 2 लोगों के पास, और ये 6 नंबर वाली अब चलेंगी। 2 आया कोई मतलब नहीं, ये 7th नंबर सॉरी ये चलेंगी, तो इनका कुछ नहीं हुआ। अब ये 1 आया, इनका भी कुछ नहीं। 9 आया, इनका भी कुछ नहीं। अब ये 1 वाली चलेंगी, देखिए इनका 6 आ गया, तो ये पूरी चूड़ी इनकी हो गई। और इस गेम से ये 2 मेंबर बाहर हो गए क्योंकि इनके पास बैट लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 9th और 2 नंबर के ये गेम से बाहर हो जाएंगे। देखिए अब ये बचते हैं ये। अब फिर सब लोग एक एक चूड़ियों का बैट लगाएंगे, अब ये चलेंगी फिर से, इनका कोई मतलब नहीं, अब ये चलेंगी, इनका कोई मतलब नहीं, इनका भी नहीं, 5 नंबर वाले का भी नहीं, अब 6 नंबर वाले का फिर आ गया, यानी ये पूरी चूड़ी इनकी हो गई और ये सारे लोग बाहर हो गए, जितने थे बाहर हो गए। अब ये है कि आप यहीं पे गेम को स्टॉप कर सकते हैं और इनको फर्स्ट, इनको सेकेंड और इनको थर्ड दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर से और गेम को मान लीजिए आगे बढ़ाना है, कभी कभार मेंबर कहते हैं कि और आगे बढ़ाइए, मैं देखूं तो कि शायद मैं जीत जाऊं, तो ये तीनों में भी आप कौन फर्स्ट आएगा इसके लिए भी एक आध बार आप खेल सकते हैं। पहले तो एक एक ये लोग रखेंगे। अब 3 आया, इनका कोई नहीं, अब 1 वाली चलेंगी। इनका आया 5, कोई मतलब नहीं। इनका आया 2, कोई मतलब नहीं। फिर ये चलेंगी, कोई मतलब नहीं। फिर 1 वाला, कोई मतलब नहीं। फिर आ गया 6, यानी देखिए इनका पूरा हो गया। ये बाद में अगर 3 मेंबर बचते हैं तो खिलाने का यही मतलब होता है कि कोई और भी आगे बढ़ सकता है। तो अब हम यहाँ पे गेम को स्टॉप कर देंगे, और देखने में लग रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो देखिए गिनते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, इनका 16 है यानी फर्स्ट है ये, और ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सेकेंड है और ये देख के ही लग रहा है कि ये थर्ड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मुझे लगता है ये गेम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी बार आप चलेंगे डाइस को, हर बार एक एक चूड़ियां सब लोग बैट लगाएंगे, और जिसकी चूड़ी पूरी समाप्त हो जाएगी वो गेम से बाहर होता जाएगा, और जिस जो चाल चला है उसका 6 आ गया, तो जितनी बैट लगी हुई चूड़ी है वो सारी उसके पास चली जाएगी। इस तरह से इस ग्रुप गेम को खेलना है, बड़े ग्रुप में आप खिला सकते हैं। तो अगर मेरा ये गेम पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।